Namaste, I am Divyan Swarnima, Assistant Professor in Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology in Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. In this session, we will discuss about the some rest of the elements of cross-section elements. So, fourth element is median or traffic separator. What is median or traffic separator? Median is provided between two sets of traffic lanes intended to divide the traffic moving in opposite direction. The main function of the median is to prevent head-on collision between vehicles moving in opposite direction and on adjacent lane. The traffic separator used may be in the form of pavement marking, physical dividers on or area separators. So बेसिकली क्या है ट्रैफिक सेपरेटर, अगर मैं बात करूँ तो आप सब ने, आई होप आप सब ने क्या किया होगा, एक लाइव एग्जांपल दे रही हूँ. रोड के बीच में दो जो लेन है, दो जो वेज, टू वेज जो है, मान लो कि एक वे है नॉर्थ टू साउथ को मूव कर रही है जिसमें व्हीकल्स, और दूसरा वे है जिसमें साउथ टू नॉर्थ को मूव कर रही है व्हीकल्स. ठीक है, तो इन दोनों को कैसे डिफाइन किया जाए, इन दोनों को कैसे सेपरेट किया जाए. तो जिस पर्टिकुलर सेक्शन को हम एज अ सेपरेटर यूज करते हैं इन दोनों वेज को अलग अलग डिफाइन करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, उसको हमने क्या नाम दिया, मीडियन नाम दिया. ठीक है, ये मीडियन क्या करता है, ये मीडियन दोनों ट्रैफिक मूविंग, जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैफिक मूव कर रहा है उसको क्या करता है, डिवाइड करता है, और उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि दोनों आपस में क्या ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए और कोलाइड ना हो जाए, कोलिजन ना हो जाए. उसके लिए ये क्या करता है, उसके लिए इसको प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, जो ट्रैफिक सेपरेटर होता है उसमें जो पेमेंट मार्किंग होती है, जो फिजिकल डिवाइडर्स होते हैं, एरिया होते हैं, उसको हम काउंट करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरा ये एक क्या है, एक लेन है जिसमें ये पेमेंट जिसमें पेमेंट पेमेंट कैरिज वे, या मान लो जिसमें मेरा व्हीकल मूव करेगा. ठीक है, ये मेरा पेमेंट है. ठीक है, अब इसके बीच में और ये जहां से दूसरी पेमेंट होगी, ये जो बीच का पोर्शन आया, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रैफिक सेपरेटर कहेंगे. मोस्टली जनरली इन पे क्या होते हैं, या तो हमारे पौधे लगे होते हैं, या पेड़ लगे होते हैं, या फिर कुछ सुंदर सा कुछ और चीजें लगी होती है, या फिर ट्रैफिक के लिए रोड लाइट्स लगी होती हैं. तो जनरली यहाँ पे ये वो उस चीज के लिए काम आता है. इस तरह से ये फुटपाथ होता है और इधर भी क्या होती है, लाइन होती है. ठीक है, जो विड्थ होती है मीडियन की, उसको फिक्स किया है आईआरसी ने कि कितना होना चाहिए, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ रोड. तो फर्स्ट इज एक्सप्रेसवे. एक्सप्रेसवे के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो जो विड्थ है मीडियन की डिजायरेबल की 15 होगी, मिनिमम की, मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो 10 होगा, 10 मीटर. सॉरी, मैं किस में बात कर रही हूँ, मीटर में बात कर रही हूँ. अदर हाईवेज की अगर मैं बात करूँ तो 5 और 3 होगा. एट इंटरसेक्शन ऑफ अर्बन रोड्स बात करूँ तो 5 और 1.2 होगा. और ऑन लॉन्ग ब्रिजेस बात करो तो 1.5 और 1.2 मीटर हम इसको लेंगे. कैसा दिखता है, फॉर एग्जांपल इस तरह का दिखता है. ये जो एरिया है ये मेरा क्या है, मीडियन है, या फिर ट्रैफिक सेपरेटर है, जो कि दोनों जो वेज हैं उनको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, सेपरेट कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज कर्व. कर्व क्या होता है, कर्व इंडिकेट द बाउंड्री बिटवीन द पेमेंट एंड द मीडियन और फुटपाथ और शोल्डर. कर्व में भी मेनली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, लो कर्व, सेमी बैरियर टाइप कर्व और बैरियर टाइप कर्व. सो कर्व क्या है कि वो बाउंड्री जिसमें, जो किसके बीच में दी गई है, किसी भी पेमेंट और मीडियन के बीच में, किसी भी पेमेंट और फुटपाथ के बीच में, किसी भी पेमेंट और शोल्डर के बीच. क्या है कर्व, किस तरह का दिखता है. फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने जब ट्रैफिक सेपरेटर की बात करी थी तो मैंने यहाँ पे एक कर्व चीज दिख रही है. ये जो मेरा एक दोनों को अलग अलग डिफाइन करने के लिए जो ये सेक्शन दिया गया, इस सेक्शन को मैंने क्या नाम दिया, कर्व नाम दिया, जो कि पेमेंट और सेपरेटर को डिफाइन के बीच का पार्ट है, जो पेमेंट और फुटपाथ के बीच का पार्ट है. तो इनको हमने क्या नाम दिया, कर्व नाम दिया. ठीक है, तो कर्व क्या है, कर्व बेसिकली वो अगर मैं नॉर्मल चल रही हूँ तो एक हाइट जो कि अलग करती है किससे, पेमेंट को मीडियन से, पेमेंट को फुटपाथ से, पेमेंट को शोल्डर से अलग करती है, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कर्व कहते हैं. कर्व क्या, तीन टाइप के मैंने बोले, लो कर्व, सेमी बैरियर कर्व और बैरियर कर्व. लो कर्व का हाइट कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है और स्लाइटली इंक्लाइंड होता है. ठीक है, सेमी बैरियर का कर्व क्या होता है, सेमी बैरियर का कर्व 15 सेंटीमीटर होता है और बैरियर टाइप का 20 सेंटीमीटर का हम देते हैं.
नेक्स्ट बात, अगर मैं फॉर एग्जांपल डायग्राम में अगर बात करूं, तो ये जो मेरी है, ये जो हाइट है, ये मेरी क्या है, कर्व है, जो क्या कर रही है, इस फुटपाथ को इस पेमेंट से क्या कर रही है, अलग अलग डिफाइन कर रही है. नेक्स्ट बात करती हूँ रोड मार्जिन्स की. तो रोड मार्जिन्स को हमने क्या क्या एलिमेंट्स दिए, शोल्डर. शोल्डर क्या होता है कि वो एरिया जहां पर क्या है, अगर मान लो मेरा ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, अगर मैं साइड से अगर मैं अपना व्हीकल पास करना चाहती हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगी, इस शोल्डर का शोल्डर एरिया का यूज करूंगे. शोल्डर एरिया बेसिकली पूरा बना हुआ नहीं होता, पेव्ड नहीं होता, इसमें कोई बिटुमिनस रोड नहीं होगी, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि सीसी रोड भी सीसी या बिटुमिनस रोड से ही पूरा कवर्ड हो. ये शोल्डर जो होता है हमारे रोड के साइड वाला एरिया होता है, जो कि हमारा रखा जाता है कि अगर व्हीकल जो भी व्हीकल है, अगर वो क्या करना चाहे, वो ओवर अगर वो आगे निकलना चाहे या वो साइड में से निकलना चाहे, तो वो निकल सकता है. ड्यू टू हैवी ट्रैफिक की वजह से वो उस लेन को उस तरफ से भी जा सकता है, क्रॉस कर सकता है. ठीक है, गार्ड रेल होता है, फुटपाथ का एरिया हो गया, ड्राइव वे हो गया जिसमें हम ड्राइव कर रहे हैं, साइकिल ट्रैक हो गया, एक अलग से पार्किंग लेन हो गया, एम्बैकमेंट स्लोप हो गया. ये सारी चीजें क्या दी है एज अ रोड मार्जिन हम लोग क्या देते हैं किसी भी हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन में, हम लोग चीजें क्रॉस स्लोप में क्रॉस सेक्शन में प्रोवाइड करवाते हैं. विड्थ ऑफ फॉर्मेशन और रोडवे की अगर मैं बात करूं, तो टोटल विड्थ, बेसिकली अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो टोटल विड्थ, दैट मींस कि क्या कि मेरा जो भी जितना भी एरिया है, उसमें चाहे मेरा पेमेंट हो, विड्थ ऑफ पेमेंट, कैरियर वे हो, चाहे सेपरेटर हो, चाहे शोल्डर हो, इन सब का टोटल मिला के जितनी मेरी विड्थ निकलती है, उसको हम विड्थ ऑफ फॉर्मेशन या विड्थ ऑफ रोडवे कहते हैं. विड्थ ऑफ रोडवे फिक्स कर दिया आईआरसी ने कि कितना होना चाहिए, कितना, तो उसी के बेसिस पे सेपरेशन भी डिफाइन होता है, उसी के बेसिस पे शोल्डर भी डिफाइन होता है, और उसी के बेसिस पे पेमेंट ऑफ पेमेंट जो पेमेंट ऑफ कैरियर वे भी सॉरी विड्थ ऑफ पेमेंट या कैरिज वे भी डिफाइन किया जाता है. अब ये बहुत मतलब एक तरह से मान लो अगर मेरा विड्थ ऑफ पेमेंट जो है व्हीकल के अकॉर्डिंग जैसे मैं सेट कर रही हूँ, तो मुझे उसके बाद देखना पड़ेगा कि टोटल विड्थ में से कितना मेरा एरिया और कितनी मेरी विड्थ बच रही है, जिसमें मुझे सेपरेटर भी देना है या मेरे को शोल्डर भी देना है, तो उस पर वो डिवाइड होता है. ठीक है, अब रोड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आईआरसी ने दिया, जिसमें अगर मैं बात करूं नेशनल या फिर स्टेट हाईवेज की, तो सिंगल और टू लेन्स के अकॉर्डिंग 12-12 प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए, माउंटेन्स और स्टीप टेरेन के लिए 6.25 और 8.80 मीटर्स में मुझे ये गिवन है. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए अगर मैं बात करूँ, तो सिंगल और टू लेन्स के लिए 9.9 और प्लेन टेरेन और प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए और माउंटेन और स्टीप टेरेन के लिए 4.75 सिंगल लेन के लिए गिवन है. अदर्स डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए अगर मैं बात करूँ, तो सिंगल और टू लेन के लिए 7.5 और 9 है प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए, और माउंटेनियस और स्टीप टेरेन के लिए 4.75 सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेन के लिए गिवन है. विलेज रोड और सिंगल लेन की अगर मैं बात करूं, 7.5 प्लेन और रोलिंग टेरेन, और अगर मैं माउंटेनियस और स्टीप टेरेन की बात करूं, तो 4 मीटर मुझे यहां पे गिवन कर रखा है आईआरसी ने कि इतनी मैं टोटल रोडवे विड्थ ले सकती हूं. I hope you don't have any query in this session, but if you have, then please mention in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.